लुधियाना में डिब्बा रोड पर गोपाल चौक के पास हुए कत्ल के एक मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है और इस केस से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति शामिल है। पुलिस ने आरोपियों का रिमांड लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी बहु ने ही पैसों का लालच देकर सहेली के प्रेमी से अपनी सास की हत्या करवाई थी। रात को 11:30 बजे SHO इंस्पेक्टर दिलीप सिंह बेदी ने मिली, जिस तरह साढ़े CP सर की हदायत से सारी पुलिस एक्टिव है। ये पुराने अफसर ने इन्हें अपने तजर्बे जिहड़ा टोटल ब्लाइंड मर्डर सी ट्रेस किया। 11:30 बजे सानू रात को दस्या भी 2:45 बजे के करीब वो नूँह ज्योति मरण वाले की नूँह ज्योति कहती मैं नहाउण गई सी ते पिछों कोई लुट खोह की नीयत नाल अंदर आया तो उन्हें अगों मजामत करते मेरी सस के सिर च गंभीर जख्म किए सट्टा मारियां जिन्हों असी वख-वख हस्पतालों लैके जाते रहे। अल्टीमेटली चंडीगढ़ PGI लैके जा रहे थे तो चंडीगढ़ एंटर होंदे उहदी डैथ हो गई। इन्हें मौके पर गए जिथे सानू कुछ एक महल्ले चो मुखबर ने दसिया भी यह सस ते नूह का बहुत ज़्यादा झगड़ा सी, आम तौर पर कलेश रहा। इस चीज़ को मन्यूटली बरीकी ना देखते हुए इंस्पैक्टर साहब ने परिवार तो उन्होंने लग करके अद्धा पौना घंटा पुछगिछ करके उत्थे वो ब्रेक हो गई। उन्हें साफ दसता भी ये साड़ी कॉन्स्पिरेसी सी। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।